जब कोई स्टूडेंट फार्मेसी करने का सोचता है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण, सर फार्मेसी करके हम ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट ग्रेड की जॉब पा सकते हैं सेंट्रल या स्टेट की तरफ से। अब बात यह आती है जब वो फार्मेसी करता है तब उसे पता चलता है सर 18 महीने का एक्सपीरियंस जैसा कि कुछ चाहिए क्या। इसको लेकर एक नई अपडेट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को लेकर, है ना, कोर्ट का जजमेंट आया है। यहां पे बहुत ही अच्छी खबर, खुशखबरी रहने वाली है फार्मेसी स्टूडेंट के लिए। कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चिरमसा एकेडमी, दिस इज हिमांशु। आप उस चैनल पे हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट, वीडियो लेक्चर, स्टडी रिगार्डिंग वीडियो सब कुछ मिलता है आपको हमारे चैनल अमरसार एकेडमी। और अब से आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जहां फार्मेसी एग्जाम की प्रिपरेशन, टेस्ट, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है। जी हाँ मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे कि सर ये जो ड्रग इंस्पेक्टर है, यानी कि हम सभी जानते हैं कि सर आफ्टर बी फार्मेसी, है ना, बी फार्मेसी करने के बाद हम ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ये ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी सेंट्रल की भी आती है, स्टेट की भी आती है, अलग अलग जिले वाइज आती है। किसी जिलों में यहां पे एक्सपीरियंस मांगते हैं, किसी में फ्रेशर एलिजिबल होते हैं। आखिर ये मामला क्या है और इसको लेकर एक नई लेटेस्ट अपडेट आ गई है जो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर बनने वाली है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर एक्चुअली इस ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी का मतलब कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो है क्या। हम पहले एलिजिबिलिटी को समझ लेंगे, उसके बाद में हम कंक्लूजन पे आएंगे कि सर अभी जो है रिसेंटली इसको लेकर क्या कुछ अच्छी खबर आई है। ये मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यूपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी, कोई पुरानी वैकेंसी खोली है जिसमें कि अभी जो लेटेस्ट आई थी, मतलब 2022 में जो आई थी उसको रिगार्डिंग मैंने वो वैकेंसी खोल दी है। और इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर यहां पे कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, यानी कि सर बी फार्मा, है ना, डिग्री इन फार्मेसी, यानी कि बी फार्मा कैंडिडेट जो है वो यहां पे एलिजिबल है। वैसे तो आप देखेंगे इसको लेकर जो लेटेस्ट अपडेट है, कोर्ट का बड़ा सारा नोटिस है, बट इसको मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, मिनटों में आपको समझ में आ जाएगा, तो वीडियो को कंप्लीट सुनेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी रहने वाली है। ठीक है जी, यहां देख के हमें लग रहा है सर बी फार्मा कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है, बट सेकेंड पॉइंट क्या है कि सर यहां पर 18 महीने का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, एटलीस्ट 18 महीने का। कौन सी ड्रग, जहां जिस इंडस्ट्री में शेड्यूल सी ड्रग बन रही है, है ना, स्पेशली पेरेंटल ड्रग्स बन रही है, शेड्यूल सी ड्रग्स बन रही है, उसका आपको एक्सपीरियंस जो है वो होना अनिवार्य है। ठीक है जी, ये सारी चीजें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आती थी, बट इसको लेकर अब मैं आपको लेके चलूंगा कि इसको लेकर लेटेस्ट में क्या अपडेट आई है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए 26 यूपीएससी की वैकेंसी थी, इसमें जो हाल ही में क्वालिफाई हुए यानी कि कंप्लीट ड्रग इंस्पेक्टर बन गए, अक्षय का हमने एक प्रॉपर इंटरव्यू किया है जिसमें अक्षय की पूरी कहानी है कि सर कैसे वो ड्रग इंस्पेक्टर बने हैं, कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया है और यहां तक वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर। उनका जब हमने इंटरव्यू किया तो काफी सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर अक्षय के पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्या फ्रेशर कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है, ये फ्रेशर कैंडिडेट ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बन गए, इसको लेकर भी हमने वहां पर डिस्कस किया है। तो ये वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में इधर मिलेगा, मित्रों जरूर देखना क्योंकि अक्षय की कहानी जो है वो वाकई में आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। ठीक है जी, अब बात आती है सर कि हाल ही में क्या कुछ अपडेट आया है। तो देखिए बड़ा सारा नोटिफिकेशन है कोर्ट का, मैं आपको कंक्लूड करके बता देता हूं कि दरअसल हुआ इस प्रकार था कि भैया साल 2015 में ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी, इस वैकेंसी में काफी सारे स्टूडेंट जो है वो क्लियर हो गए बट उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस नहीं था। अब ये जितने जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, ये सारे के सारे स्टूडेंट जो है उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि भैया कोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 45 रूल्स के अकॉर्डिंग हमने देखते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की जो एलिजिबिलिटी है उसको देखते हुए वहां पे ये भी लाइनें लिखी हुई है कि भैया ड्रग शेड्यूल C1 का होना चाहिए, 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आखिर उन स्टूडेंट ने बोला कि भैया अगर आपको, है ना, किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री का विजिट करवाना है तो आपके पास एक्सपीरियंस की जरूरत है, बट ड्रग इंस्पेक्टर का काम ओनली फॉर इंडस्ट्री विजिट नहीं है, दवाई की दुकान यानी कि मेडिकल स्टोर भी है, इसके अलावा भी बहुत सारे काम है। तो जब हम एज ए फ्रेशर लग सकते हैं उसके बाद में, जैसे हमें 18 मंथ का एक्सपीरियंस होगा उसके बाद में ही हम इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस इंस्पेक्शन करेंगे, पहले हम करेंगे ही नहीं। तो इस हिसाब से फाइनली रिसेंटली 1 वीक पहले कोर्ट का जो है फैसला आ चुका है, 9 से 10 साल बाद कोर्ट का फैसला आ चुका है,
उन सभी स्टूडेंट को अपॉइंट कर दिया गया है एज ए ड्रग इंस्पेक्टर। यानी कि क्लियर ये मेंशन हो गया है कि अब जो है ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है, आफ्टर बी फार्मा जो है वो आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप किसी ऐसी इंडस्ट्री का विजिट इंस्पेक्शन नहीं कर सकते जो शेड्यूल C1 बन गई है, मतलब एक्सपीरियंस के बाद ही ये सारी चीजें जो है वो लागू होगी। बट एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो ओनली फॉर बी फार्मा ही है। ये अब तक की लेटेस्ट अपडेट। हाल ही में तमिलनाडु TN में भी 15 ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और इसकी भी एलिजिबिलिटी में बी फार्मा फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल है। मित्रों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है सभी फार्मा एग्जामिनेशन को लेकर। आप अगर इंटरेस्टेड है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। फाइनली कंक्लूड, और बहुत ही अच्छी खबर जो आ रही है कि अभी जो है सर फिलहाल यहां तक की लेटेस्ट अपडेट यही है कि अगर एक्सपीरियंस का लिखा हुआ भी आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर बी फार्मा कैंडिडेट जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है। अब बात आती है सर इसकी वैकेंसी कब आने वाली है, इसके बारे में बात की थी सर 404 वैकेंसी का लेकर क्या कुछ अपडेट है CDSU की तरफ से, इसको लेकर भी फर्दर जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है अलग से वीडियो बनेगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मित्रों, लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन, क्योंकि खबर बहुत अच्छी थी। जो जो स्टूडेंट बीफार्म कर चुके हैं, ड्रग इंस्पेक्टर का सपना देखते हैं, उनके लिए तो मैं दिल खुश करने वाली न्यूज है, क्योंकि काफी बार इस एक्सपीरियंस को लेकर काफी स्टूडेंट मिस हो जाते हैं, एटलीस्ट एग्जाम देने को लेकर भी, तो इनके लिए सबसे बड़ी बात है। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।